हाँ इससे तो मेरा दिल घबराता है, पैराग्लाइडर को मैं नहीं देख सकती। लो जी इस वक्त हम अयाशी के फुल एक प्लान में हैं। ये है हमारी इंडस्ट्री जैसी होते भी ला। हाँ मैंने कहा था कि असल में ये पराठा बना देता था, मैंने कहा इसके ऊपर चोपड़ वो बेसन की रोटी पे लगाएगा ना, सॉरी मकई के आटे पे, मकई की रोटी पे भी लगा दो मैं तो ये खाऊंगी। तो ये भाई ये क्या नाम है, भूखी औरतें। हाँ ये खाना जो है ना, ये मतलब बादशाह सलामत का खाना है। इस तरह का खाना जिंदगी में किसी को नसीब नहीं होता। ये है सरसों का साग, मकई की रोटी और साथ साथ ये, और ये व्यू, और ये देखो ना साग गांव से आया है, साग गांव से आया है। और ये हमने मूलियां हमने मानसहरे से मंगाई, पूरी दुनिया को मैंने बता दिया मूलियां मानसहरे से आई हैं। और ये सबा हमीद और ये असमा अब्बास और ये मुशरा अंसारी, हम मज़े से इस वक्त अपना लंच इंजॉय कर रहे हैं। और अभी मकई की रोटी भी आ रही है और उसके साथ ये देखे ना, इसके अंदर हमने मक्खन, ये ताज़ा ताज़ा मक्खन भी डाला है। सो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और साथ में हमने लस्सी भी बनाई है, तो बस भूख से बुरा हाल था। लेकिन एक ही मील हो सकता है ज़िंदगी में, मतलब दिन में इस तरह का एक ही मील काफ़ी है। साथ साथ हमें जो व्यू मिल रहा है ना, हो उधर कश्तियाँ चल रही हैं परली तरफ, लेकिन परली तरफ वो दूर नज़र नहीं आ रही है इस वक्त। खैर मकई की रोटी भी है ना साग के साथ, तो मूली के पराठे थोड़ी खाते हैं तुम लोगों ने कभी खाए थोड़ी है, तुमने कभी खाए होते तो हमें पता होता।